और अतिक्रमण कर सैकड़ों मजारे मकान और दुकान बनाए गए हैं। अपमानित और आहत हिंदू समाज ने जन आंदोलन हेतु सन 2000 में हिंदू जागरण मंच की स्थापना की। नगर में बस्तीशाह हिंदू सम्मेलन कर व्यापक जनजागरण शुरू किया गया। परिणाम स्वरूप पहली बार बसंत पंचमी पर 41 जोड़े और 5000 श्रद्धालुओं ने भोजशाला में प्रवेश कर महाआरती और यज्ञ संपन्न कर सरस्वती जन्मोत्सव मनाया। 2001 में 501 जोड़े और 7000 से अधिक श्रद्धालु सरस्वती जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए। जनता के बढ़ते हुए सहभाग को देखते हुए जहां हिंदुओं को वर्ष में एक दिन प्रवेश की अनुमति थी, उसी दिन 2002 में सरस्वती जन्मोत्सव को विफल करने के उद्देश्य से मुसलमानों ने षड्यंत्र पूर्वक कमाल मौलाना का जन्मदिन मनाने की घोषणा की। मुस्लिम परस्त राज्य शासन ने हिंदुओं को और अधिक अपमानित करते हुए आदेश दिया कि आधे दिन ही पूजा होगी, उसके बाद वहां नमाज, कव्वाली और लंगर का आयोजन करेंगे। सन 2002 बसंत पंचमी पर मां सरस्वती के पूजन करने वालों को लाठियों से पीटा गया, महिलाओं के हाथों से पूजन की थाली फेंक दी गई तथा उन्हें बर्बरतापूर्वक भोजशाला से खदेड़ा गया। उक्त घटना का विरोध करते हुए संपूर्ण जिला बंद रहा। 4500 लोगों ने सामूहिक गिरफ्तारी दी। आहत हिंदू समाज का स्वाभिमान जागृत हुआ और मां सरस्वती मंदिर भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनः स्थापना का संकल्प लेकर प्रति मंगलवार को भोजशाला के बाहर सड़क पर सत्याग्रह प्रारंभ किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग हनुमान चालीसा और सरस्वती वंदना के लिए एकत्रित होते रहे। जनता ने जागृत हिंदू समाज और डरे हुए अधर्मी शासन की करतूतों को स्पष्ट रूप से देखा। यह है धर्मरक्षक संगम के कुछ विशेष पहलू। धार जिले के प्रत्येक गांव में धर्म सभा कर गांव में 10 व्यक्तियों की धर्मरक्षा समिति का गठन। भोजशाला की ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक गौरव गाथा लोगों तक पहुंचाने के लिए धर्म जागरण भोज रथ यात्रा प्रारंभ। इस रथ यात्रा ने 267 स्थानों की परिक्रमा की, जिसमें लाखों हिंदुओं ने सरस्वती का पूजन किया। रथ यात्रा के दौरान 53 बड़ी सभाओं में 60,000 लोगों का सहभाग। इसी के साथ 39 खंड केंद्रों से ऊपर रथ यात्राओं ने 1334 गांवों की परिक्रमा की, जिसमें 9,00,000 लोगों ने पूजन करके धर्मरक्षक संगम में आने का संकल्प किया। इस व्यापक जनजागरण से बौखलाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जन आंदोलन को कुचलने का भरसक प्रयास किया, जिसमें धर्मरक्षक संगम के लिए गांव गांव में लगाए गए सरस्वती के 20,000 पोस्टरों को पुलिस ने काली पोत कर फाड़ डाला। राज्य के अधर्मी मुख्यमंत्री द्वारा अपनाए गए सभी हथकंडों, भय और लालच को ठोकर मारते हुए धर्मरक्षक संगम धार हेतु गांव गांव से जन सैलाब धारा नगरी की ओर उमड़ पड़ा। एक दिन पहले ही हजारों लोग पैदल चले धार पहुंच चुके थे। 6 फरवरी 2003 सरस्वती जन्म उत्सव पर पूजनीय महामंडलेश्वर श्री गिरिराज नंद जी द्वारा भोजशाला में मां सरस्वती का पूजन कर 3 दिवसीय मां सरस्वती महायज्ञ प्रारंभ किया गया, जिसमें 1001 जोड़ों द्वारा 5,00,000 आहुतियां दी गई। अधर्मी शासन के समस्त अपराधों को पार करते हुए धार जिले के 1,00,000 से अधिक धर्मरक्षक संगम में सम्मिलित हुए। संकटपूर्ण परिस्थितियों के बाद एक ही जिले के ऐसे अद्वितीय आयोजन को एक वर्ष का समय देने वाले 10 और 7 दिन से अधिक समय देने वाले 1500 धर्मवीरों ने धर्म जागरण कर जागृत लोकशक्ति खड़ी की। संपूर्ण आयोजन समाज की सहभागिता और स्वयंसेवकों के अद्भुत व्यवस्था कौशल्य से संपन्न हुआ और प्रशासन मूकदर्शक बनकर खड़ा रहा। धर्मरक्षक संगम हेतु 1,25,000 लोगों के लिए धारा नगरी के एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से 35,000 परिवारों से 8,00,000 रोटियां और 20 टन सामग्री की लोंजी संग्रह कर प्रेम और आदर्श से खिलाई। इतनी प्रचंड जनभावना एवं केंद्र सरकार का आदेश का अनादर करते हुए हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री ने कहा, भोजशाला कमाल मौलाना की मस्जिद है।
वहां केवल नमाज ही होगी। मैं किसी भी कीमत पर पूजा नहीं होने दूंगा। पूर्व चेतावनी अनुसार 18 फरवरी 2003 को भोजशाला की ओर हजारों की संख्या में श्रद्धालु सहपरिवार मां सरस्वती पूजन हेतु पहुंचे, पर लाठीचार्ज एवं सीधे गोली चालान सैकड़ों लोगों एवं बच्चों सहित महिलाओं को गिरफ्तार कर अमानवीय अत्याचार किया गया। 19 फरवरी को इसके विरोध में संपूर्ण जिला बंद रहा। 235 स्थानों पर चक्का जाम कर 20 थाना क्षेत्रों में 40,000 लोगों ने सामूहिक गिरफ्तारी दी। पुलिस ने कई स्थानों पर सीधे गोली चलाई जिसमें 2 धर्मरक्षकों की मृत्यु हो गई तथा 39 गंभीर रूप से घायल हुए। संपूर्ण जिले में राज्य सरकार द्वारा दमन चक्र, 1400 लोगों पर झूठे आपराधिक मुकदमे, 12 लोगों पर रासुका, कई जिला बदर, 315 लोगों पर 1,16,00,000 रुपए का सामूहिक जुर्माना किया गया। इस घटना ने आजाद हिंदुस्तान के गुलाम हिंदू होने का एहसास कराया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। फिर आंदोलन, फिर सत्याग्रह, फिर मंदिर में सरस्वती के पूजन की तीव्र इच्छा रखने वाले हिंदुओं का बलिदान, फिर हिंदुओं के खून से हिंदुस्तान की भूमि का सिंचन, और फिर संगठित स्वाभिमानी हिंदू शक्ति के सामने झुककर 8 अप्रैल 2003 को भोजशाला में सरस्वती पूजन के अधिकार की 698 वर्षों के संघर्ष बाद प्राप्ति। फिर विजय के दीप जले, फिर मां को मनाने की साधना, शारदा शक्तिपीठ मेहर से अखंड ज्योति 7 दिन और रात अविरत पैदल चलकर धार लाई गई। भोजशाला में मां सरस्वती की फिर प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के साथ सत्याग्रह स्थल पर संत श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज के सान्निध्य में स्थापित की गई। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय शांति शांति शांति। लंदन में कैद मां की मुक्ति और फिर से भोजशाला में स्थापित करने की आकांक्षा लिए धर्म रक्षकों द्वारा प्रतिवर्ष यह अखंड ज्योति बसंत पंचमी के पूर्व धार जिले के 1334 गांवों के प्रत्येक परिवार में प्रज्वलित कर अपनी संकल्प पूर्ति तक ये क्रम प्रतिवर्ष करने का निश्चित किया। इस अवसर पर साध्वी प्रज्ञा भारती जी ने कहा, ज्योति के रूप में माँ सरस्वती की आत्मा प्रतिष्ठित कर दी गई है और आत्मा में जहाँ आत्मा हो वहाँ परमात्मा को आना पड़ता है। जहाँ माँ की आत्मा प्रतिष्ठित कर दी गई है ज्योति के रूप में माँ शारदा की भूमि से ला करके वहाँ एक दिन माँ सरस्वती की मूर्ति को भी प्रतिष्ठित होना है, होना है, होना है। इसमें कोई दुराय नहीं है कि वो दिन भी अब दूर नहीं कि यहाँ पर माँ सरस्वती स्वयं लंदन से आकर विराजमान होंगी। ये आपकी त्याग तपस्या कर्मठता का प्रभाव है। प्रतिवर्ष बसंत पंचमी पर सरस्वती जन्मोत्सव और माँ सरस्वती महायज्ञ में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालुओं ने सन 2004 की बसंत पंचमी पर स्वाभिमान और विजय का भाव लिए लाखों लोग आस्था और भक्ति के साथ उमड़ पड़े। सरस्वती साधकों की यह साधना सली पुरख जागृत हो उठी जब धार जिले की 40,000 से अधिक महिलाएं, जिनमें से 15,000 महिलाएं मंगल कलश लेकर 30 किलोमीटर तक की पदयात्रा करके मातृशक्ति संगम में सम्मिलित हुई, जहां उन्होंने अपनी कठोर साधना से मां सरस्वती की पुनः प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प किया। जब दारा नगरी के प्रत्येक परिवार की कन्या को सरस्वती स्वरूप मानकर उनके चरण पखार उनका पूजन अर्चन कर 7,500 कन्याओं को भोजन कराया, तब भोज की ये पवित्र नगरी फिर गौरवान्वित हो उठी। अपनी जाति पाति और ऊंच नीच को छोड़कर सामाजिक समरसता के इस महायज्ञ से दारा नगरी धन्य हो उठी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य।
नमस्तस्य 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 नमो नमः। धारा नगरी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण फिर आया, जब उज्जैन सिंहस्थ में पधारे सरस्वती पुत्र अपनी माँ के दर्शन हेतु धार में उमड़ पड़े। धार के लिए ऐसा अद्भुत अवसर था जहाँ पूज्य शंकराचार्य, अनेक महामंडलेश्वरों, सभी अखाड़ों के महंतों एवं सैकड़ों साधु संतों का माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला में आगमन हुआ। भोजशाला में माँ सरस्वती का पूजन कर एवं उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर सभी भाव विहल हो उठे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इतनी प्रबल जनभावनाएं मंदिर के साक्षात प्रमाण, फिर भी मंदिर मानने से इनकार। आज भी हजारों मुसलमान प्रति शुक्रवार को मां सरस्वती मंदिर भोजशाला के गर्भगृह में नमाज पढ़ रहे हैं। क्या यह नमाज खुदा की इबादत के लिए है? आज हमें अपने मंदिरों में पूजा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इन संघर्षों से डरकर अगर हम भोजशाला को छोड़ भी दें तो क्या आने वाले समय में हम अन्य किसी स्थान पर पूजा कर सकेंगे? जागो जनता जनार्दन, जागो। 85% हिंदुओं के देश में क्यों बटता है देश? क्यों बनाया जा रहा है हिंदुओं को ईसाई? क्यों तोड़े जा रहे हैं मंदिर? क्यों पढ़ी जा रही है मंदिरों में नमाज? आखिर कौन है जिम्मेदार? मुस्लिम साम्राज्य की इच्छा रखने वाले जिहादी, या धर्मनिरपेक्ष राजनेता, या हम ही हिंदू जो व्यक्तिगत स्वार्थों में जीकर अपने समाज को जात पात और उपासना पद्धतियों में बांट रहा है? हां, वो हिंदू ही जिम्मेदार है जिसने अपनी भारत माता, देश, धर्म और संस्कृति को भुला दिया है। इन चुनौतियों का सामना केवल जागृत और स्वाभिमानी हिंदू ही कर सकता है। जाग्रत प्राप्य वरान् विबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। और तभी हो पाएगी भोजशाला में मां सरस्वती की पुनस्थापना और देश धर्म की रक्षा। मां सरस्वती अपने पुत्रों से आह्वान कर रही है उसकी मुक्ति और उसके गौरव के पुनस्थापना के लिए। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे, जगतिर मार बनाए भारत वह बल विक्रम दे, अम्ब विमलमति दे, साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे, साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे, संयम सत्य स्नेह का भर दे स्वाभिमान भर दे, अम्ब विमल मति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे।